मोदी जी आपको क्या लगता है, पहले अपना सर पे बोझा ढोते थे, उसके बाद अपनों ने साइकिल से मजदूरी शुरू की, अब अपना रिक्शे पे बोरे रखकर मजदूरी करती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता अपना अच्छी तरक्की कर रहे हैं? मुझे लगता है अपना जल्दी ट्रक ले लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से अपनी तरक्की हो रही है, ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्द से जल्द अपना ट्रक ले लेंगे, ट्रक में बोझा ढोया करेंगे। राहुल तुम्हें ऐसा नहीं लगता आज केजरीवाल ने अपने रिक्शा पर कुछ ज्यादा ही वजन लाद लिया है, बड़ा हल्के हल्के चला रहे हैं अपने रिक्शा को बिल्कुल पीछे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं इस राहुल की बातों में आ गया। इसने बोला एक बोरा और लाद लो, एक बोरा और लाद लो, ऐसी करते करते मेरा रिक्शा ओवरलोड हो गया, इसीलिए मैं अपने रिक्शे को सही से खींच नहीं पा रहा हूं और तुम सब लोगों से पीछे हो गया। अरे योगी जी कैसे खड़े हो, किसी काम पर नहीं गए आज? अरे क्या बताऊं केजरीवाल, मैं भी सोच रहा हूं तुम लोगों की तरह एक रिक्शा खरीद लूं और रिक्शे पर मजदूरी करूं। तुम सब लोग रिक्शे पर मजदूरी करके बहुत बढ़िया कमा रहे हो। अरे मोदी जी किसी का पुराना अगर रिक्शा बिकता हो तो मुझे बता देना। अरे योगी जी अगर मेरी बात मानो तो पुराना रिक्शा मत खरीदो, नहीं तो उसमें पैसे लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, कभी कुछ खराब हो जाएगा कभी कुछ खराब हो जाएगा। तो मोदी जी नया रिक्शा तो बहुत महंगा मिलेगा, कैसे मिलेगा? बहुत आसान तरीका है, तुम अपने रिक्शे को किस्तों पर ले लो, फाइनेंस करा लो रिक्शे पर, एक महीने की किस्त यानी कि ईएमआई मुश्किल से 100 रुपए महीना पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया मोदी जी आपने, और मुझे इकट्ठा पैसा भी नहीं जमा करना पड़ेगा, 100-100 रुपए महीना। कौन फाइनेंस करके दे सकता है मुझे, कौन दे देगा लोन? देखो कर तो बहुत से लोग रहे फाइनेंस, बहुत से लोग लोन दे रहे हैं, लेकिन मैंने तो अखिलेश से कराया था, अखिलेश ज्यादा ब्याज भी नहीं लगाता है। फिर भी कुछ तो बताओ अखिलेश कितने टका ब्याज लेगा? तुम वो सब छोड़ दो, बहुत कम ब्याज लगवाऊंगा मैं तुम्हारा, बस तुम तैयार हो जाओ, आज ही रिक्शा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, कल से हमारे साथ मजदूरी पे लग जाना, समझे? मजदूरी के लिए कमर कस लो अपनी। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज पूरा दिन होने को जा रहा है, मेरी तो 1 रुपए की मटर नहीं बिकी है राहुल, पता नहीं आज कोई ग्राहक आएगा जाने के नहीं आएगा। अरे लालू जी आ रहे हैं, ये तो केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं, लगता है हरा धनिया चाहिए इन्हें। अरे लालू जी क्या चाहिए, बोलो बोलो बताओ क्या चाहिए, ये हरा धनिया देख रहे हो, हरा धनिया चाहिए? चाहिए तो हरा धनिया ही केजरीवाल। अच्छा पहले ये बताओ केजरीवाल, अरे सर्दी बहुत पड़ रही है, इस सर्दी में मटर पुलाव बनाना चाहता हूँ, तो मटर पुलाव के लिए क्या क्या चाहिए होगा? लालू जी अभी तुम केजरीवाल की तरफ बैठे हो, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मटर पुलाव के लिए मटर तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो मेरे पास मटर है, ताजी ताजी हरी हरी मटर, आके ले लो। चलो अपना रेट बताओ मोदी जी, क्या रेट दे रहे हो इस मटर को? बहुत ही महंगी बेच रहा हूँ, सिर्फ 1 रुपया किलो। अरे लालू जी, लालू जी बोलो अखिलेश तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो अगर तुम मोदी जी की मटर लोगे तो उसके छिलके छीलना पड़ेंगे तुम्हें, तो मटर के दाने निकलेंगे, और मैं मटर के दाने दाने बेच रहा हूँ, छिलके छील के लाया हूँ, छिलके छीलने का झंझट ही नहीं। ये बात भी बहुत बढ़िया है अखिलेश, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मटर के छिलके छीलने में बहुत टाइम लगता है, दाने ही दाने ले लेता हूँ, तुम क्या रेट दे रहे हो दाने? अरे मैं तो फ्री भाव मटर के दाने बेच रहा हूँ, 10 रुपए किलो। अरे भाई ये कैसे फ्री भाव हो गए, मोदी जी मटर अपनी 1 रुपए किलो बेच रहे हैं और तुम दाने 10 रुपए किलो बेच रहे हो, 9 रुपए का फर्क, 9 रुपए की छिलाई चली गई छिलकों की। अरे लालू जी मटर पुलाव बनाने में आपको मिर्च की भी जरूरत पड़ेगी, मेरी मिर्च ले लो, लाल लाल मिर्च है, बड़ा तेज मिर्च है। राहुल कितनी तेज मिर्च है तुम्हारी? इतनी तेज मिर्च है अगर आज खाओगे तो इसका एहसास 5 दिन तक होता रहेगा। अरे भाई मटर पुलाव के लिए सब कुछ लेना पड़ रहा है, मटर मिर्च धनिया, कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें ये सब चीज डालने का झंझट ही ना हो। हम कोई यूं ही बेफालतू में थोड़ी बैठे हुए हैं लालू जी, ये मटर पुलाव बनाने का ख्याल अपने मन से छोड़ो और ये लौकी ले जाओ, मेरी लौकी, एक बार लौकी खाओगे बार बार याद करोगे। अरे तुम सब लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, कभी लौकी मिर्च धनिया, मैं ये सब बनाऊंगा ही नहीं, ना मटर पुलाव बनाऊंगा ना लौकी बनाऊंगा, घर पर मट्ठा रखा है वही पी के सो जाता हूँ। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे रुको रुको मोदी जी रुको, ये क्या कर रहे हो तुम, ये साइकिल पे स्कूटर रख के लेके कहाँ जा रहे हो? ये वही स्कूटर है ना कुछ दिन पहले जिसे तुमने खरीदा है? हाँ योगी जी ये वही स्कूटर है जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा है, इस स्कूटर को आज मैं चला के देख रहा हूँ। अरे चला के देख रहे हो, समझ में नहीं आ रही मेरी बात, ये तो तुम साइकिल पे लिए फिर रहे हो स्कूटर को। अरे साइकिल पे लिए क्या फिर रहे हो, असल में मैंने जिससे ये स्कूटर खरीदा था उसने कहा था कि तेल डाल देना आराम से चलेगा बहुत बढ़िया, तो तुमने स्कूटर की टंकी में
में तेल डाला नहीं? अरे डाल तो दिया मैंने तेल को, अपने खेत में जो सरसों पैदा हुई थी उसी सरसों के तेल को डाल दिया इस स्कूटर की टंकी में। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, अखिलेश और राहुल चले आ रहे हैं। अरे अखिलेश और राहुल से तुम्हें क्या दिक्कत है, और तुमने इस स्कूटर की टैंक में सरसों का तेल क्यों डाल दिया? अरे इसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल। अरे हम क्या जाने पेट्रोल और न्यूट्रोल, हमें तो तेल पता था, तेल डाल दिया। असल में बुद्धि को अखिलेश आ रहा है, मैं अखिलेश की साइकिल मांग के लाया था कि मैं खेत में जा रहा हूँ, अब वो देखेगा कि मैं अपनी स्कूटर उसकी साइकिल पे रखा हुआ हूँ तो वो नाराज होगा। अरे बुद्धि को आ गया पास में। ये क्या है मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम तो ये बोले थे मैं खेत पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे साइकिल दे दो, मेरा स्कूटर खराब हो गया, लेकिन ये क्या, तुम तो अपने स्कूटर को मेरी साइकिल पे धर के ले जा रहे हो। अरे मेरी साइकिल के टायर कमजोर हैं, इतना वजन नहीं झेल पाएगी, अगर दूसरे की चीज मांग के ले जाओ कम से कम सही से तो यूज करो उसे। अरे अखिलेश नाराज मत हो, मत हो नाराज, असल में मेरा स्कूटर खराब हो गया, पैदल चलने में बड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी साइकिल के ऊपर रख के ले जाऊं। वैसे ये गलत बात है मोदी जी, अखिलेश अपनी साइकिल आपको देने को कभी भी मना नहीं करता है, जब जरूरत पड़ती है तब दे देता है, लेकिन तुम तो उसकी साइकिल के ऊपर इतना बेहिसाब वजन लादे हुए हो, पूरा स्कूटर लाद लिया तुमने। राहुल ये मेरी और अखिलेश की बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तुम अखिलेश के दोस्त जरूर हो लेकिन तुम्हें बोलने का हक नहीं है। ये तो वही कहावत हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर अखिलेश की साइकिल में कोई भी नुकसान होगा तो मैं सही करवा दूंगा। अखिलेश तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा टायर भी फट गया तो नया टायर डलवा दूंगा मैं। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे मोदी जी भंडारा करना तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भंडारा करवा रहे हो, लेकिन इतनी भयंकर ठंड में तुमने भंडारा क्यों करवाया? जनवरी की कड़कती ठंड है, अब सर्दी में हम बिल्कुल कंबल ओढ़ के आए हैं सब लोग। अरे तुमने तो आग के सामने बैठ के अपने आप चावल और छोले बनाए हैं, तुम तो अपने आप को आग के सामने बैठ कर चूल्हे के सामने बैठ कर सेकते रहे, हमें देखो कितनी ठंड लग रही है यहाँ आते हुए। भाई राहुल सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, अगर तुम्हें भंडारा खाना है तो आना पड़ेगा भाई, मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल का आनंद लेना है तो आना पड़ेगा भाई। मैंने तुम सब लोगों के सामने छोले चावल की प्लेट रख दी है, खाना शुरू करो। अरे मोदी जी कैसे खाना शुरू करें, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है, मैं तो अपना कंबल लाना भूल गया तो मैं तो केजरीवाल के कंबल में घुस गया हूँ। और ये क्या तुमने केजरीवाल और मेरे सामने एक प्लेट रखी है, अरे दो प्लेट रखो मेरी और केजरीवाल दोनों की। अरे ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, तुम दोनों लोग एक ही कंबल में बैठे हुए हो इसीलिए मैं समझा एक ही आदमी है। चलो एक प्लेट और दे देता हूँ छोले चावल तुम्हें मैं। अरे लालू जी जाके अपना कंबल लेके आओ, मेरे कंबल में से निकलो, मैं सही से पूरे कंबल को अपने जिस्म पे नहीं लपेट पा रहा हूँ, ठंड लग रही है बहुत। तुम इतनी सर्दी में बिना कंबल के चले कैसे आए? अरे भाई कब खाना शुरू करोगे, ये छोले और चावल ठंडे हो रहे हैं, राहुल अखिलेश योगी जी खाओ। भाई मोदी जी कैसे खाएं, मेरा तो कंबल से हाथ निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, किस तरीके से खाएं, हाथ कैसे निकालें कंबल में से? आपने ये भंडारा जानबूझकर इस कड़कती सर्दी में रखा है, जनवरी की सर्दी में, जिससे कि खाने वाले लोग ज्यादा खा ही नहीं पाए। योगी जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, अब नीचे प्लेट रखी है और छोले चावल की खुशबू मेरी नाक में आ रही है, मन तो कह रहा है कि खा लूं इसे कैसे भी हाथ निकाल के कंबल से, लेकिन मेरा जिस्म मना कर रहा है, वो कह रहा है ना सर्दी में हाथ मत निकालो, अब बताओ मैं क्या करूं? अरे मोदी जी ऐसा करना, थोड़ा सा छोले और चावल अपने हाथ में लेके मेरे मुंह में दे देना। कैसे बेतुकी बात कर रहे हो, क्या मैं अपने हाथ से सबको खिलाऊंगा? भाई इतनी भी सर्दी नहीं है, माना कि मैंने चूल्हे के सामने बैठ के छोले चावल बनाए, लेकिन अब तो मैं आपके सामने बिना स्वेटर और कंबल के बैठा। चलो अगली बार भंडारा मैं मार्च में कराऊंगा। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।